वेलकम टू बॉर्डर विलेज थांग, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर। तो ये वो जगह है जो पहले इससे आगे का सारा पाकिस्तान था। यू आर 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड एंड प्राउडली स्टैंडिंग एट थांग, द नॉर्दर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, इस टाइम हम है इंडो पाक बॉर्डर LOC के पास। तो मैंने खिड़की खोली, सुबह के कुछ मिले शानदार नज़ारे, लेकिन हम थोड़ा सा रोड से नीचे है तो ग्रीन माउंटेन्स हैं। बाकी उस तरफ ये मेरी बाइक है, यहाँ पे खड़ी है। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब नेट्स में अंकुश। और जल्दी जल्दी आज निकलते हैं क्योंकि अभी 7 बजे है, हमें थांग करके वापस उसी रूट से जाना है और सियाचिन बेस कैंप तक आज प्लान करा है हमने। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। ये प्लान तो हम काफ़ी कुछ करते हैं लेकिन प्लानिंग हो नहीं पाती उस तरीके से। तो चलिए सामान को समेट कर, बाकी इस प्रॉपर्टी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है यार। वो ऊपर मेन रोड है, मेन रोड से इधर नीचे व्यू ऑफ माउंटेन्स है और ये है कुछ हमारा रूम। जाग गए मोहन प्यारे। तो काफी अच्छी प्रॉपर्टी है ये और हमें सिर्फ 1400 रुपए में मिली है। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक मॉर्निंग पॉजिटिव वाइब्स के साथ। सो हम बिल्कुल रेडी है थांग निकलने के लिए, सामान अपना छोड़ के जाएंगे होटल रूम के अंदर और वापस से पिक करके चलेंगे डिस्ट्रिक्ट की तरफ। और अभी बस सामान मैं टैंक में ले करूँगा, बाकी होटल है। भाई साहब साउंड कैसे आ रही, देख रहे हो दरवाजे की साउंड, दिखाना एक बार। अच्छा वो भूत वाली साउंड आ रही है। खैर काफ़ी अच्छा बना है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा। और यहाँ पे लगाएंगे अपना स्टिकर जब जाएंगे तो। और इसके पीछे बहती है शोक रिवर जिसकी आवाज़ मुझे आ रही है, उसके पास भी जाएंगे। और ये खड़ी हमारी बाइकें, यहाँ से थोड़ा रास्ता जो है इन्होंने नीचे जाके हैं, ऊपर हैं, लेकिन हम भी जुगाड़ लगाएंगे अपना सामान लोड करने के लिए। तो चलिए चलते थांग को एक्सप्लोर करने के लिए, लेट्स गो। ऑल सेट गाइस, तुरतु डिलाइट होटल, सामान यहाँ पर छोड़ा हुआ है, अब जा रही है। बिग डे फॉर मी, जो मैंने कभी सोचा था जो मैं करने जा रहा हूँ, और बाइक मेरा काफ़ी अच्छा साथ दे रही है यार। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मशीन मेड बाय YSD। तो 12 किलोमीटर यहाँ से तो पहुँच जाएंगे 20 से 25 मिनट में। और भाई साहब अगर तुरतु की आपको मैं हिस्ट्री बताऊँ, ये ऐसा गांव है जो 1971 में जो इंडो पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसमें भारत ने अपने हिस्से में इसको शामिल किया था, नहीं तो ये पाकिस्तान बाल्टिस्तान का हिस्सा था। क्या हुआ, ये तो बंद है, ये तो यार आगे आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे। आज हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट हम टाइम पे करेंगे, हमारे ब्रेकफास्ट लंच का कुछ चलता नहीं पता। खैर तो ये पाकिस्तान बाल्टिस्तान का हिस्सा था जो POK है, और 1971 की वॉर में इंडिया में ये जो 5-6 गांव थे जैसे कि थांग, तुरतुक, दयाशी और एक और गांव का नाम याद नहीं आ रहा, तो हिंदुस्तान में आए थे ये पाकिस्तान से। मतलब देखा जाए तो करीब 40 साल पहले
ये लोग मतलब कि पीओके में थे और अब हिंदुस्तान का हिस्सा है। और बस मज़ा आ रहा है यार कि लास्ट प्लेस पे हम जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान का बाल्टिस्तान है, जहाँ पे कुछ दिन पहले अभी कुछ प्रॉब्लम भी थी, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी थी, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया जाए क्या? तो यार थांग तो हम पहुँच जाएंगे, 12 किलोमीटर है, पर पहले आज हम करेंगे टाइम से ब्रेकफास्ट। और हमें मिला ये ब्यूटीफुल सा कैफे रेस्टोरेंट, बिल्कुल जो शौक रिवर की ट्रिब्यूटरी है उसके सामने है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। पानी की आवाज़ देखो, और पानी में जो पत्थर है ना यार, कैसे साफ विजिबल है, देखो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। तो हमारी ट्रिप का जो आज बढ़िया ब्रेकफास्ट होगा शौक रिवर के किनारे, मज़ा आ गया। टेस्ट हमें अच्छा है इस बार, मतलब कि वो दिल्ली वाला टेस्ट है कहीं मिला नहीं, बाकी ठीक है खाना। माँ के हाथों का स्वाद हाथ का ही होता है भाई, कहीं नहीं मिलता। ओह घर के अलावा चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर करेंगे थांग एक्सप्लोर। और मेरे सामने देखो यार, वाह, क्या नदी का नाम था, क्या सोरे नदी दिखे हुए, शौक रिवर भाई साहब, चारों तरफ क्या क्या ब्यूटी है यार। और देखो स्नो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, यहाँ पे भी स्नो पीक माउंटेन्स हैं। हम जहाँ जाते हैं स्नो हमारे साथ साथ आती है। भैया क्या ब्रेकफास्ट में भैया? तो भाई साहब ब्रेकफास्ट में अपने पास आज मज़ेदार पनीर के पराठे, अचार जो मैं खाता नहीं हूँ, हिमांशु खाता है, और चाय, और साथ में ब्यूटीफुल माउंटेन स्नो पीक। तो आज का दिन तो भाई ज़बरदस्त है। स्टोरेज फुल, देखो टाइम तो ना लगता है, हमने सोचा कि हम सुबह जल्दी उठेंगे और थांग करके आ जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको ऐसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर करने होते हैं, इसलिए समय लग जाता है। खैर थोड़ा समय यहाँ पर और लगाएंगे, मैंने अभी सामने का टाइम स्लैप्स और वो मैं दिखाऊँगा आपको जब ये डे 7 का वीडियो मैं जब एडिट करूँगा, तो स्टार्टिंग में ये वाला टाइम लैप्स जरूर मैं डालूँगा। तो ये है त्याशी गांव, हम रात को यहाँ पे भी आ सकते थे लेकिन हम रुक गए थे। और इसके आगे चेक 5 थांग है गांव, आई थिंक ये 5 गांव है। मैं जब करूँगा एडिट वीडियो को तो डाल दूँगा उसके अंदर। और भाई साहब तुरतुक की ब्यूटी देखते ही बनती है यार, हर जगह की अपनी खासियत होती है यार। तो तुरतुक में जैसा जो फील आ रहा ना, वैसा कोई और देखने को नहीं मिलेगा। शायद यहाँ पे करानी पड़ेगी एंट्री, आर्मी चेक पोस्ट, यस एंट्री रिक्वायर्ड। देखो भाई साहब कितना पुराना लकड़ी का सस्पेंशन ब्रिज, पहले के टेक्नोलॉजी कैसे ब्रिज बनते थे। और थांग विलेज बस 3 किलोमीटर है, वापस आके यहाँ पे फ़ोटो लूँगा मैं। बड़ा अमेजिंग फील हो रहा है कि 1971 से पहले ये सब इलाका पीओके में था और यहाँ पे एंट्री नहीं थी क्योंकि बॉर्डर पीछे ही थे, लेकिन 2010 के बाद आम टूरिस्टों के लिए ये जगह खोल दी गई है। तो बहुत ही यार, अगर हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री अपने आप में बहुत ही एक्साइटेड कर देने वाली है कि पहले क्या था और अब क्या है। तो हिस्ट्री बहुत ही मतलब कि पावरफुल चीज़ है यार, मतलब कि पीछे की जो हमसे पहले लोग थे उनकी लाइफ कैसे थी, यहाँ पे लोग कैसे कैसे सरवाइव करते थे। और उस टाइम अब तो चलो यहाँ पे सुविधा है काफ़ी, रोड है, लाइट है, सब कुछ है। समझो जब ये रिमोट होगा यार तो लोगों को पता भी नहीं होगा दिल्ली भी कोई जगह है, वो इसी को अपनी दुनिया मानते होंगे। और पहाड़ों में लाइफ इतनी आसान नहीं होती यार, बहुत मुश्किल होती है। रजिस्टर्ड बॉर्डर एरिया, मेरा भारत महान, जी हाँ भारत महान है। केटू से कन्याकुमारी तक भारत एक है।
वाह, वेलकम टू बॉर्डर विलेज थांग, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर। और नीचे बह रही है शाक रिवर। आज का दिन काफी, इट्स ए बिग डे ऑफ माय लाइफ। लद्दाख तो मैंने पहले भी करा है, लेकिन इधर नहीं आया था। इधर आने की जो खुशी है वो यार अलग ही है। सरहद इंसान ने बनाई है, क्योंकि ये जब रास्ते जो पुराने हैं, ये किसी टाइम पे जो व्यापार होता था अफगानिस्तान और चाइना तक, तो इन रास्तों से होता था। इसको सिल्क रूट कहते हैं, इसको पुराने ज़माने का। तो पाकिस्तान तो अभी बना है 1947 में, इससे पहले तो सब एक ही था। यहाँ पे जो मशहूर खेती होती है खुबानी की होती है। खुबानी की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और उसके लिए जगह मशहूर भी है। सो ये रास्ता जाएगा म्यूजियम की तरफ, और ये थांग विलेज इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट एंड यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन। तो भाई साहब 200 मीटर हमें दिखेगा बॉर्डर। तो इधर जाना है ऊपर, इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट 200 मीटर हेड। वाह, ऐसे गूज पे मारे मेरे को। क्योंकि ये वाला जो बॉर्डर है ना, काफी अलग है बाकी सारे बॉर्डर से। सो दिस इज द थांग गाइज, यू आर 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड एंड प्राउडली स्टैंडिंग एट थांग, द नॉर्दर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया। वाव, इधर नीचे आर्मी का बंकर है जहाँ से 1971 में वॉर हुई थी। ब्यूटीफुल यार, मज़ेदार। चलो सो दोस्तों, इस टाइम हम है इंडो पाक बॉर्डर एलओसी के पास, थांग विलेज, और सामने जो दिख रहा है वो है पीओके। ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रही है पीओके है। आर्मी के काफी बंकर है यहाँ पे, और पीछे लिखा हुआ था कि जो पाकिस्तान की आर्मी हमें वॉच कर रही है, कि पाकिस्तान आर्मी के भी जो बंकर उस तरफ होंगे जो हमें देख रही है। तो यार बस मजा आ रहा है। मानसो बहुत बढ़िया। पत्थर मारे पाकिस्तान में यहाँ से मारूंगा। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। वैसे भी पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है। पीओके भाई साहब, अमित शाह जी ने कहा था कि 24 सीटें रिजर्व करी है पीओके के लिए, और बहुत जल्दी हम पीओके में भी राइड करेंगे। वो दिन आए, हमारी लाइफ में दिन आए तो मजा आ जाएगा, जबरदस्त। सत्तर तो डिलाइट, रात का हमारा रहना बसेरा, हम यहाँ पर रुके थे यार। प्रॉपर्टी काफी अच्छी है, मैं वापस से आया हूँ उधर, अभी गए नहीं। प्रॉपर्टी का देखो कितना ग्रीन एरिया है यहाँ पे भी, और जस्ट पीछे बहती है शॉक रिवर। तो हम यहाँ पे लगाएंगे अपने स्टिकर, आपका भी आओ तुरतुक तो ज़रूर मुझे टैग करना। तो हमने यहाँ पे अपने स्टिकरिंग कर दी तुरतुक में। पर्पज होता है यार, जहाँ भी जाते अपने कोई ना कोई निशानी छोड़े, ताकि जब सेकंड टाइम हम यहाँ पे आए तो हम दिखा सके कि देखो हम यहाँ पे पहले आए हुए हैं। तो यही पर्पज होता है। तो सब्सक्राइब में अंकुश, तो वापस से चलते हैं डिस्कट की तरफ। और मज़ा आ गया यार, पाकिस्तान के स्नाइपर्स, हिंदुस्तान के स्नाइपर्स बैठे थे, जो सिर्फ हमने देखा है, आपको कैमरे में नहीं दिखाई देगा, उसके लिए आना पड़ेगा थांग के अंदर। तो चलिए, सामान लोड है सारा, वापस से चलते हैं। तो महाकाल के नाम से स्टार्ट करते हैं अपनी राइड को, और 232 किलोमीटर कल का था, तो ट्रिप बी को करते 0।
तो अब चलते हैं, देखते हैं कितना आज हम ट्रैवल करते हैं। तो तुरतुक में होती है एप्रिकॉट की खेती और गर्मी लग रही है यहाँ पे। मैंने जैकेट में तो लगा रखा था थर्मल लैनर, उसको निकाल दिया, पर राइडिंग पैंट में लगा हुआ है तो गर्मी लग रही है। 9000 समथिंग हाइट है इस विलेज की और बस रास्ता बहुत जल्दी हम कर लेंगे पार, क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा है। बस थोड़ा ऑफ रोडिंग है डिस्ट्रिक्ट के पास 12-13 किलोमीटर का, उसको हटा दे तो काफ़ी अच्छा है। तो ये सब रेंज थी, काराकोरम रेंज, लद्दाख काफ़ी जोन में बटा हुआ है, लद्दाख रेंज, हिमालय रेंज, काराकोरम रेंज, तो काफ़ी जोन बटे हुए लद्दाख के। ओ वाह, निकलती देखो यार ऊपर स्नो पीक माउंटेन्स। एक ही माउंटेन है जो आपको बार बार दिखता रहेगा, कभी आप घूम के उसके सामने आ जाओगे, कभी आपके पीछे आ जाएगा, एक ही माउंटेन है। रास्ता इस तरह से बना हुआ है कि आपको जब तक ऊपर से कोई व्यू ना दिखे समझ नहीं आएगा। कई पहाड़ के पीछे छिप जाते, कभी आगे निकल के ऊपर से घूम जाते हैं। और श्योक रिवर, भाई साहब क्या मौसम है सामने का यार, लवली लवली। काश मेरे पास उड़ने की शक्ति होती तो मैं हर एक पहाड़ की चोटी पे जाके वहाँ से वीडियो बनाता। तो ये वो जगह है जो पहले इससे आगे का सारा पाकिस्तान था और इंडियन आर्मी ने यहाँ से एरिया कैप्चर किए थे, जो थांग, तुरतुक, त्याशी, चुलकाना। तो जो ब्रिज है, इस ब्रिज से पहले सारा पाकिस्तान हो करता था, पर 1971 की फाइट में ये इन्होंने वापस लिया। और जब यहाँ पे वॉर हुई यार, उस टाइम -27 डिग्री में वॉर हुई थी यार, तो समझ लो यार उस टाइम क्या मतलब कि इंडियन सोल्जर ने अब इस चीज़ को बया या बताया नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। तो उनकी याद में यहाँ पे एक मोनोमेंट्स बना रखा है। तो जो नदी होती है ना, वो किसी भी संस्कृति के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि जितनी भी आप सभ्यताएँ देखेंगे वो नदी किनारे मोस्टली होती है, क्योंकि यार पानी का सोर्स तो चाहिए, या तो नदी के किनारे होंगे या फिर नदी से पानी को डाइवर्ट के लेके जाएंगे। और हम जो शहरों में पानी पी रहे हैं ज़मीन से निकाल के, आरओ के पानी, जो पानी के सारे जो मिनरल्स होते ख़त्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो अमृत के समान है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पानी है ना, जो आ रहा है झरने से बह रहा है, तो वो भगवान का पानी है। जब सर्दी में यहाँ पर बर्फ़ गिरेगी फिर मेल्ट होकर पानी में जाएगी, तो जब वो ऊपर से नीचे तक आएगी ना, तो बेशक वो ऊपर से जब मिट्टी के पहाड़ से चलेगी तो गंदी होगी, पर आते आते इतनी साफ़ हो जाएगी ना, वो बन जाएगा पानी अमृत। और ऐसा पानी बंदा पी, ऐसी लोकेशन पर रहे, तो भाई साहब उसकी ज़िंदगी के 10 साल तो वैसे ज़्यादा जी लेगा वो यार, पोल्यूशन फ्री, डस्ट फ्री। तो राइट नाउ वी आर एट श्योक वार मेमोरियल। तो रात को तो हम निकल गए थे सीधा तुरतुक, तो ये हम देख नहीं पाए थे। तो श्योक वार मेमोरियल जो कि वॉर में हमारे जवान जो शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया, जैसे कारगिल वॉर मेमोरियल है वैसे ही श्योक वार मेमोरियल है। और ये उन सभी के नाम
जो शहीद हुए थे। और भाई साहब लोकेशन देखो क्या गजब है यार की। तो देखो इसके ऊपर एक बहुत ही सा लिखा हुआ है, स्लोगन कहो कोट कहो कि व्हेन यू गो होम टेल देम टू ऑफ अस एंड द से फॉर योर टुमारो वी गेव आर टुडे। मतलब के जब आप अपने घर जाओ तो बताना कि हमारे भविष्य के लिए इन्होंने अपना वर्तमान दाव पे लगा दिया। तो ये होती है प्राउड वाली फीलिंग, इंडियन आर्मी सैल्यूट। तो यहाँ पे एक फोटो लेते हैं और वापस से डिसेंड करते हैं डिस्कट की तरफ।